हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 जिसका नाम है कंप्रेसर। कंप्रेसर को हिंदी में संपीड़क के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय की कुल वीडियो को 7 पार्ट में बनाया गया है और आज की ये वीडियो पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे इस कोर्स के पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, वहां से आप उन सभी को भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ केवल 2 सवालों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है कंप्रेसर क्या है और हमारा दूसरा सवाल है कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पहले सवाल के ऊपर नजर डालते हैं और सीखते हैं कि कंप्रेसर क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि किसी भी प्रकार के रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी कि एसी और फ्रिज इत्यादि का सबसे महत्वपूर्ण भाग कंप्रेसर ही होता है, जिसकी तुलना मनुष्य के हृदय से की जाती है। जिस प्रकार से हृदय गति रुक जाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से कंप्रेसर कार्य करना बंद कर देता है तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम डेड हो जाता है, अर्थात सिस्टम पूरी तरह से कार्य करना बंद कर देता है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह के लिए उसके हृदय में 2 प्रमुख मार्ग बने होते हैं, ठीक उसी प्रकार से रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी गैस अथवा रेफ्रिजरेंट को प्रवाहित होने के लिए कंप्रेसर में भी 2 प्रमुख मार्ग बने होते हैं। कंप्रेसर के जिस रास्ते से गैस कंप्रेसर के अंदर के तरफ जाती है उसे सक्शन लाइन कहा जाता है और जिस रास्ते से गैस बाहर के तरफ निकलती है उसे डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। इन दोनों लाइनों के अतिरिक्त कंप्रेसर में एक और लाइन भी बनाई गई होती है जिसे चार्जिंग लाइन कहा जाता है और इस चार्जिंग लाइन का कार्य कंप्रेसर में आयल, रेफ्रिजरेंट, गैस इत्यादि को चार्ज करना होता है। इस चार्जिंग लाइन का कार्य जिस तरीके से सक्शन लाइन हवा को कंप्रेसर के अंदर खींचती है उसी तरीके से चार्जिंग लाइन भी हवा को कंप्रेसर के अंदर ही खींचने का कार्य करती है और ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उचित प्रेशर के साथ गैस को दौड़ाने का कार्य करता है। कंप्रेसर को पूरी तरह से समझने के बाद अब हम बात करेंगे इस अध्याय के दूसरे सवाल के बारे में और हमारा इस अध्याय का दूसरा सवाल है कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्रेसर के प्रकार को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस श्रृंखला को समझना होगा। इस श्रृंखला में कंप्रेसर के प्रकार को कुल 4 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है चाल के अनुसार, दूसरा साइज के अनुसार, तीसरा कार्य के अनुसार और चौथा है देखने के अनुसार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम चाल के अनुसार। तो चाल के अनुसार कंप्रेसर 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर और दूसरा होता है डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर। तो पहले हम लोग बात करेंगे बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर के बारे में। वह कंप्रेसर जिसको बेल्ट के द्वारा चलाया जा रहा हो वह कंप्रेसर बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर कहलाते हैं, अर्थात इसके जो 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो हवा खींचने और फेंकने का काम करता है, दूसरा पार्ट जो इस खींचने और फेंकने वाले भाग को चलाने का काम करता है, यह दोनों यदि अलग अलग और दूरी पर बनाए गए हैं और इन दोनों को एक दूसरे से एक बेल्ट के द्वारा कनेक्ट कराया गया है तो वह कंप्रेसर बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर कहलाता है। जैसे कि कार एसी में यूज किया जाता है बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर की। वह कंप्रेसर जिसको डायरेक्ट मोटर के साथ चलाया जाता है ऐसे कंप्रेसर डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर कहलाते हैं, जैसे फ्रिज एसी का कंप्रेसर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं साइज के अनुसार कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। तो साइज के अनुसार कंप्रेसर कुल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर और दूसरा होता है मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर। बात करते हैं सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर की, ये क्या होता है। तो वह कंप्रेसर जिसके भीतर एक सिलेंडर लगाया गया है वह
सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर कहलाता है, और ये कंप्रेसर फ्रिज के कंप्रेसर, ये सिलेंडर वाले, एक सिलेंडर वाले कंप्रेसर का प्रयोग फ्रिज में किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर की। वह सिलेंडर जिसमें कम से कम दो सिलेंडर और अधिकतम 16 सिलेंडर तक प्रयोग किया गया है, ऐसे कंप्रेसर मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर कहे जाते हैं। और इनका प्रयोग एसी से ऊपर जितने भी प्रकार के रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं उनमें किया जाता है। इनकी सिलेंडरों की संख्या जैसे जैसे बढ़ाई जाती है, कंप्रेसर की जो क्षमता होती है, हवा खींचने और फेंकने की जो ताकत होती है, वैसे वैसे बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्य करने के अनुसार हमारा जो कंप्रेसर है कितने प्रकार का होता है। तो कार्य करने के अनुसार कंप्रेसर जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला हम बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा रोटरी कंप्रेसर, तीसरा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो सबसे पहले हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में बात करते हैं। वह कंप्रेसर जिसमें गैस का आना जाना पिस्टन और सिलेंडर के माध्यम से हो रहा हो, वैसे कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रोटरी कंप्रेसर की। तो वह कंप्रेसर जिसमें हवा का जो खिंचाव है एक गियर के माध्यम से किया जा रहा है, एक स्क्रू के माध्यम से किया जा रहा है, ऐसे कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर कहलाते हैं। और ये रोटरी कंप्रेसर अधिकतर आजकल एसी में प्रयोग किया जाता है। इसको प्रयोग करने से एसी का वजन जो है थोड़ा कम हो जाता है, और इसमें केवल दो ही लाइनें होती है, एक सक्शन और दूसरा डिस्चार्ज, इसमें चार्जिंग वाली लाइन नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है? वह कंप्रेसर जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाया गया हो, वैसे कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहलाते हैं। जैसे ट्यूबवेल में पानी को खींचने वाला पंप के भीतर जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाया गया होता है, वैसा ही पंप इस कंप्रेसर के भीतर भी लगाया गया होता है, और उसके माध्यम से हवा को खींचने और फेंकने का कार्य किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम मूवर लोकेशन, मतलब कि देखने के आधार पर हमारे जो कंप्रेसर है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखने के आधार पर हमारे जो कंप्रेसर है दो प्रकार के होते हैं। पहला है सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर और दूसरा है हर्मेटिक कंप्रेसर। तो पहले हम बात करेंगे सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर के बारे में। तो हमारा सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर वह कंप्रेसर है जिसमें जो उसके भाग हैं दो अलग अलग भागों में बनाया गया है, तो ऐसे जो है कि कंप्रेसर सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर कहलाते हैं। मतलब यदि कंप्रेसर दो अलग अलग भाग में बनाया गया है तो उसको हम लोग सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हर्मेटिक कंप्रेसर के बारे में। वह कंप्रेसर जिसमें सभी पार्ट्स एक ही कैबिनेट के भीतर बंद है, उसे हर्मेटिक कंप्रेसर कहते हैं। ये हर्मेटिक कंप्रेसर फ्रिज एसी में यूज किए जाते हैं। मतलब फ्रिज एसी में जो कंप्रेसर यूज किया जाता है उसमें एक ही कैबिनेट के भीतर सारे सिस्टम फिट किए गए होते हैं, और कार एसी में जो कंप्रेसर यूज किया जाता है उसे हम लोग सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर कह सकते हैं, क्योंकि उसका एक पार्ट जो इंजन होता है जो कि मोटर को घुमाने का, कंप्रेसर को घुमाने का कार्य करता है, वो अलग होता है और हमारा कंप्रेसर जो है कि अलग होता है। तो इस तरीके से जो कंप्रेसर का हिस्सा है दो भागों में बटा हुआ है, तो उसको हम लोग सेमी हर्मेटिक कहेंगे। तो इस तरीके से आप कंप्रेसर के प्रकार को समझ सकते हैं। और इसके बाद जो है कि ये हमारा अध्याय का पार्ट वन वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।